दोस्तों, शो बहुत बेहतरीन था और मैं पेश करने जा रही हूँ एक बेहतरीन जादूगर राजा, फाइनल ईयर MBA। Ready! Empty! Open! और अब, और अब ये देखिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, शुक्रिया आप सब यहां पर आए। बहुत अच्छा था। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार, बाद में मिलता हूँ, बाय, गुड नाइट। चलो मिलते हैं। हाय डैड, कैसा था शो? बहुत ही मजेदार। क्यों यार, इश्क फरमा रहे हो? चलो चलो बोलो, बताओ। फ्लैशबैक डैड। माँ की याद आ रही है। वो शाम भी कुछ अजीब थी, कैसी थी, हसीन थी, बेहतरीन थी। अच्छा डैड, मुझे यकीन है कि आप माँ से बहुत सारी गुफ्तगू करते होंगे। घंटों की क्या बात कर रहे हैं, हम तो कई दिनों तक गुफ्तगू करते थे। कभी कभी तो हम एक दूसरे को देखते ही रहते थे। मैं ये जो इश्क है, ऐसा क्या लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, तस्वीर भी नहीं बना सकते, खुद के दिल से महसूस करना होगा। बिल्कुल सही कहा। क्या कर, चुप हो जा। अच्छा, तुम्हें कब महसूस होगा? मुझे? चाइनीज गर्ल्स। इसको तो क्या हुआ? डैडी, हम तो सोचते हैं बी इंडियन, लव इंडियन। सारे जहां से अच्छा। इसकी जबान तुझसे पहले ही खुल जाती है। चुप। आपको नहीं, इसे। मेरी बात सुनो मुरली, सारी मुलाकातें रद्द कर दो। कॉलेज खत्म हो गया, मैं अपने बेटे के साथ ही रहने वाला हूँ। कल का क्या है सर? हाँ, कल का भी कुछ नहीं है। कल का भी नहीं? कुछ है? भी नहीं। Thank you.
What happened to the scan report? आ रही है सर. I mean the neuro patient. Doctor, yeah. Okay. Daddy कैसे? सुनो, गलत driving का नतीजा है और पूछ रहे हो क्या हुआ? जाओ जाकर first aid करा. जरूरत नहीं है. जख्म ज्यादा नहीं है लेकिन खून बह गया है. अच्छा, तुम्हारा बी पॉजिटिव है ना? जी. अरे इसे अंदर ले जाओ. हमें थोड़ा डर लगता है. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो. नहीं, सच में. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं. सॉरी, बिल्कुल डैड, हम समझ गए, आपकी सारी बात समझ गए. ठीक है, ओके ठीक है, तुम जाके बोल के आ जाओ. डॉक्टर के पास जाके हम कैसे बोलेंगे? जाओ ना. ठीक है, तो आप यहां बैठ जाइए, मैं आता हूं. ठीक है. मजाक करते हो? गुड आफ्टरनून डॉक्टर. स्टूपिड. अच्छा, तुम्हारे पिताजी को दवाई दिया हूँ, उसे बराबर देते रहना. कार में ही पूरे दिन मत घूमना, समझ गए? ए, निगाह किधर है तुम्हारी? रुको रुको जरा, ये लो. अरे कुछ नहीं होता, लो ना. अरे ऐश करो ना, चलो आ जाओ. चलो. यस. ठीक है, ये लो, अब तो पी सकते हो ना. सॉरी, ये ब्रांड तो हम हरगिज नहीं पियेंगे. ले लो. शुक्रिया. तुम मुझे शुक्रिया कब से कहने लगे? डैड को ठीक करने के लिए. हमने क्या किया? उनका इलाज किया बस. एक महीना काफी वक्त लग गया. छे, हॉस्पिटल की महक बर्दाश्त नहीं हो रही है. नहीं नहीं नहीं, डैडी हॉस्पिटल में, हम घर में. बावर्ची भी नहीं और खाना भी नहीं. अरे रे रे रे, इसलिए तो जल्दी शादी कर लो. अंकल, एंजॉय करने के रास्ते बहुत सारे हैं. एंटरटेनमेंट है, लेट नाइट मूवीज है, पढ़ता हूँ, उसके बाद रेसिंग. मेरा मतलब, मेरे पास करने के लिए कितना कुछ है. अच्छा, पिताजी को बगल में बैठकर रेस करते हो? नहीं, अकेले भी करता हूँ. लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा है. यू मे गो स्लो, आहिस्ता तो चला ही सकते हो. हम स्लो चल सकते हैं लेकिन पीछे वाले का क्या? क्या बात करते हैं. अगर कुछ हो गया तो? बस इतना ही, तस्वीर लगाना, माला चढ़ाना, सिर्फ दो दिन अंकल, दैट्स इट. एक्सीडेंट मजाक है क्या? मौत उससे भी इजी है. तुम्हारे वास्ते होगी, सपोज हमको कुछ हो गया तो? आप लकी होंगे और मैं खुश होऊंगा. अंकल, लाजवाब आइडिया है. मेरे मरने से खुशी होगी? कहना क्या चाहते हो तुम? अंकल, जिंदगी जी रहे हैं, जरा सोच कर देखिए. रोज सुबह आप उठकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद वार्ड बॉय, नर्स, पेशेंट, ऑपरेटिंग थिएटर, इन सब से आप बोर नहीं हो जाते? इसलिए मौत आजादी है. फ्रीडम. यही तुम्हारे पिताजी के साथ हो जाए तो? जी नहीं, वो बहुत स्ट्रांग है. ये बात है. डॉक्टर, आपके मरने की खुशी हमने जताई इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं. क्या आप जानते हैं, आपके मुंह से मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. मजाक कर रहे हैं डैडी के बारे में. देखो बेटा, साइंस कोई मजाक नहीं है. क्या मतलब है आपका? उनके एक्सीडेंट के बाद, नॉर्मल ब्लड टेस्ट करने के बाद, हमको जैसे ही पता चला कि अननोन सेल ग्रोथ हो चुका है, उसको जब मैग्नीफाइंग करके देखा गया तो एमएस कंफर्म हो गया. एमएस मतलब? मल्टीपल क्लोरियासिस. ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में ये बीमारी होती है, वो भी लाखों में किसी एक को होती है. उन लाखों में संजीव कुमार भी एक है. ये अपने संजीव को कैसे हो गया? पिताजी को क्या हुआ है? लैब से टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, सेल विजन स्टार्ट हो चुका है,
यूं समझ लो कि हौले हौले बीमारी बढ़ती जा रही। थोड़ा आराम से समझाइए, हम ये सेल विजन समझे नहीं क्या? हमारे हिसाब से वो सिर्फ 60 दिन का मेहमान है। 61वें दिन जिसमें के सेल काम करने बंद कर देंगे, उसके बाद सिस्टम कॉलेप्स हो जाएंगे और उस दिन जैसा कि तुमने कहा तुम्हारे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ 60 दिन? यस। कैसी बात कर रहे हो? डैम इट, आप यहां बैठे क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं? हां अभी पैसे लेकर आता हूं, बैंक जाता हूं, फैक्ट्री बेच देता हूं, हमें अपने डैड चाहिए। आप यहां पत्थर बनके बैठे हो? नहीं नहीं नहीं, शोर मत करो, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं ना, तुम सवाल जवाब करना बंद करो। अरे आज वो तुम्हारा बाप है, मगर उससे पहले वो हमारा दोस्त है। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। डैड जानते हैं इसके बारे में? नहीं। जान गए तो? इस बीमारी की यही खासियत है, आखिरी स्टेज तक मालूम नहीं पड़ता है, न मरीज को मालूम पड़ता है न किसी और को। तो अब हम क्या करें? सिर्फ दुआ ही कर सकते हो। देखो जहां दवा कामयाब नहीं होती वहां मोहब्बत जरूर कामयाब होती है। बस तुम उन्हें खुश रखो। इन 60 दिनों में तुम उन्हें सारे जहां की खुशी दे दो जो किसी ने ना दी हो, वो तुम जरूर दे सकते हो। देखो जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, सिर्फ दुआ कर सकते हो। इसलिए उन्हें तुम खुश रखो, सलामत रखो। आगे जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। क्या इससे पिताजी ठीक हो जाएंगे? उनको किसी बात की तकलीफ ना हो उस बात का तुम हमेशा ख्याल रखना। लास्ट स्टेज में है वो। देखो जो होने वाला है उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसे खुश रखो हमेशा। गो अहेड। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है ये? ये पागलों का अस्पताल नहीं है। आखिर क्या हो गया? ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो। ए सिनु इधर आ। यहाँ पर क्या हो रहा है? जरा देखो इसे क्या हो गया? अरे क्या हो रहा है? चलो ज्यादा मस्ती मत करना, आराम से जाना, राम पापा पापा संभाल कर जाना। हाँ ठीक है, बाय, टेक केयर। घर में तो खुशहाली डैड से बड़ी प्यारी है हमारी फैमिली। डैड कहाँ खो गए, किस सोच में पड़ गए आप?
अपने गांव की याद आ रही है। कस्बे की याद? इसी तरह का बड़ा मकान, बड़ा परिवार। शाम होने पर सभी इकट्ठा हो जाते थे, जिसको देखो हमसे मजाक करता था। हमें वो बहुत याद आते हैं। डैड, मैं सोच रहा था कि हम गांव जाकर आए। हाँ नहीं बेटा। क्यों? 25 साल हो गए, एक खत भी नहीं लिखा। जहां तक उनका सवाल है, हम गुम हो गए हैं। जैसा है वैसा ही रहने दो। ऐसी बात नहीं है डैड, हम चाहते हैं कि हमें रिश्तेदार जाने हैं, तो हमें वहां जाना चाहिए ना डैड। चलो मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ प्लीज। ओके क्या डैड? यहां देखिए, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, कंक्रीट जंगल है ये, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग। डैड आप कहते थे ना कि कच्चे रास्ते हैं, बैलगाड़ी से जा सकते हैं, वो बड़े बड़े पेड़, वो क्या कहते हैं उन्हें, ताड़ का पेड़। हाँ, ताड़ के पेड़। और वो उसके बाद वो गांव की दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं झील। हाँ, और गांव की सुंदर सुंदर लड़कियां। वो तो ठीक है ठीक है, मतलब आप मान गए। नहीं, टिकट वीजा सब चीज की तैयारी कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक, मैं आता हूं अभी। ऐसा कुछ भी मत करो, प्लीज मना करो तो जाने दो ना। खैर छोड़ो, ठीक है, अगर आप खुश नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ, यहां के लिए ओके या गांव के लिए ओके? यस डैड, थैंक यू। ये क्या है डैड, इतना कच्चा रास्ता? मैंने जिक्र किया था ना, यहाँ कार वार नहीं चलती, सिर्फ बैलगाड़ी, समझ गए? एक बात पूछूं, क्या इसी रास्ते से आप रोज स्कूल जाते थे? नहीं नहीं, हमारे घर के पास ही स्कूल था। आ, अच्छा, जरा ध्यान देना, गाड़ी आ रही है सामने से। हाँ हाँ, ये ठीक से लगा, बराबर लगना चाहिए, ये पूरा सजाना है। ठीक है, गजब बात है, घर छोड़ के भाग गए थे शम्मुख जी, वो भी सीधा विलायत भाग गए। एंजॉय। पिताजी, रामू, ए अंदर जा, बोला ना तो खा, अंदर जा। हमने सिर्फ रामू को अंदर जाने के वास्ते कहा है, सबको नहीं। पिताजी। हाँ? क्या कह रहा है? आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं, क्या? मुझे तो नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए। कहाँ जाता हूँ? हमने उनको वापस भेज दिया है। किसे किसे भेज दिए? कहाँ ना उनको भेज दिया है, कौनो अंदर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई ना हो, कहना था जो कह दिया मैंने। दीदी। भैया भैया रुक जाइए। तुम कैसी हो दीदी? दीदी दीदी रुक जाइए, दीदी दीदी छोड़िए मुझे। कितने साल हो गए, ये भी नहीं पता कि अब जिंदा है
ये आपकी मौत हो गई है। क्यों किया ऐसा? कभी अपनी छोटी बहनों का ख्याल नहीं आया आपको? मुझे माफ करना भानु। भानु, गलत क्या है सही क्या है जिरह नहीं करूंगा। अंदर चल के बात कीजिए ना, आइए। वो बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, गायत्री के साथ घर में आने के लिए मना किए थे, लेकिन मैं अकेला आया हूँ। कम अलोन, वो अंदर तो बुला सकते थे ना। उन्होंने जो कहा नाराजगी में नहीं कहा, वो भी यही चाहते हैं कि आप हमारे घर की शादी में शरीक हो। 25 सालों की नाराजगी है, जल्दी खत्म होगी। अच्छा ये बताइए, गायत्री कहाँ है? समझ गई, आप अंदर आइए। दीदी मेरा बेटा। अरे अपने साले साहब। हाँ हाँ। अरे वाह, खैर जो भी हो, आप आ तो गए ना। आपका नाम अनीता है? सगुना और भानुमती। सगुना जी, भानु जी, नहीं नहीं, सगुना जी, भानु जी, नहीं नहीं, भानु, भानु, नहीं, कंफ्यूज हो गए। सगुना भानु। आप अंदर जाइए और आरती की थाली। नहीं आरती की जरूरत नहीं है। ओका कोई शर्म हया नहीं है, लौट के वापस आ गया। तुहार दिमाग खराब हो गया है क्या? बेशर्म, बेशर्म, इतना कहने के बावजूद भी उससे बात कर रहे हो? इस घर में हमार को इज्जत है कि नहीं? ये हमको दे दीजिए। थैंक यू। खुश हो भाई, खुश हो। मैं यही दुआ कर रहा हूँ। सॉरी, माफ कर दीजिए। यस। वो आ गया, मतलब हमका जाई के मिली के पड़ी। साथ में आया वो हमारा पोता है। बड़ा आया, जा रे, चल जा, जा। ये देखिए भैया। दीदी तुम्हारा बेटा? हाँ, साले साहब वो कहीं पढ़ा होगा। सुनिए, ये है हमारी बड़ी बेटी, कॉलेज में बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही है। चलो बेटा आशीर्वाद लो। पैर छुओ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। भैया ये मेरी छोटी बेटी राधा और ये बड़ी बेटी चित्रा है। ओ इसकी शादी। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, मेरी शादी में कोई नहीं आया था। कम से कम तुम्हारी शादी में भैया तो आए हैं। लो आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी, विश यू ऑल द बेस्ट। भैया आप जाकर नहा लीजिए। चलिए बाद में खाने पर मिलते हैं। मैं ले चलता हूं। कलर कलर, व्हाट कलर डू यू चूज? वायलेट। ए लड़की रुक जा, क्यों आरती के पैसे ले लिए, इसके बाद बिना देखे निकल रही हो? साले साहब इतनी दूर से सफर करके आए हैं, इनके लिए कुछ ठंडा वंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी से ले आओ। मगर ये लड़की कौन है, किसी ने जिक्र नहीं किया? वो क्या है साले साहब, वो अपना मोहन था ना जो यहाँ पे रहता था, ये उसकी बेटी है। ओ मोहन की बेटी है? मोहन को जानते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं, वो हमारे घर का खादिम था लेकिन हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। इस घर के लिए उसने बहुत दुख बर्दाश्त किया। हमने सुना है कि उसका इंतकाल हो गया और ये लड़की यहाँ घर में कुछ काम हो। साले साहब इस घर में इस लड़की की वही अहमियत है जो बाकी लोगों की अहमियत है, क्योंकि लोग इसे अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं। ओ अच्छी बात है। अच्छी बात है बोलकर चले गए? अरे बहुत ज्यादा वजन है। अपने घर की इज्जत आबरू और अपनी बहन की जिंदगी से अगर तुम्हारा प्यार ज्यादा बढ़कर है तो एक काम करो, हम तुमसे साफ साफ कहते हैं, उस लड़की को कहीं जाकर छोड़ाओ या फिर उसके साथ कहीं भाग जाओ, उसके बाद अपना मुंह कभी मत दिखाना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। पिताजी। पिताजी बोल रहा है, नौटंकी कहीं का।
परेशान मत करो, मैं देखती हूँ। हम है इस घर के राजा। ये गुड्डा बोल रहा है क्या? हाँ, हम ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। और तुम्हारा नाम क्या है? निशा। लगता है झूठ बोल रही है। तुम्हारा नाम क्या है? नरेश है ना? नहीं, मुकेश। और छोटू तेरा नाम क्या है? हरीश। और तुम्हारा? हेमलता। हाँ, गुड। और आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। गोरी। वैसे ये हम नहीं बोल रहे हैं, अब हम बताते हैं कि कौन बोल रहा है। आ जाओ। क्या कर रहे हो? अरे शैतान कहीं के। हाय। आप ही बात कर रहे थे? हाँ। आप? राजा, तुम्हारी दादी के दादा के बेटे का बेटा। फॉरेन से आए हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे पास। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। आप मैजिक कर सकते हैं? कुछ करके दिखाइए ना। कहाँ चला गया? जा जा जा। ए! लगता है पॉकेट में आ गया। और अगर ऐसे उंगली रखो तो ये दो कैसे हो गए? देखते हैं। ओके। रुकिए रुकिए, ये सब तो सही है। हमारे घर के पपी की तरह बातें कर सकते हैं? तुम्हारे घर के पपी क्या? सबके घर के पपी जैसा बोल सकता हूँ? बिन लैंडर के घर के पपी जैसी बातें? नाम अरे साहब, अपना भांजा तो जादू भी जानता है। ये क्या भैया, ये कैसे कैसे जादू दिखा रहा है? इसने MBA की ही पढ़ाई की है ना? जब तुमने पूछा तो हमको भी शक होने लगा कि ये MBA पढ़ा है या MBM पढ़ा है। डैड, MBA मतलब मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। ऐसे ही कुछ ना कुछ करता ही रहता है। डांस करता है, तिलिस्म करता है, गाना गाता है, वेंटिलेशन करता है, मिमिक्री करता है, एक काम जरा भी नहीं जानता। वो क्या साले साहब, खाना बनाना। डैड, 15 साल हो गए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच। ओके, he is good cook too. हमारे राजा में कोई कमी नहीं है, इसके हाथ में हुनर है। अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो किसी जगह पर टेंट डाल के ये काम चला लेगा और मैं भी इसे ज्वाइन कर लूंगा। आपका वो सब करने का इरादा नहीं है ना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बुरा मान गए। तुम सब बच्चे हो, कोई समझदार नहीं है। क्या बात है, मार दे तो नजर कम नहीं आता। अभी कभी यहाँ से भागो वरना सब कुछ समझ जाएगा। चलिए यहाँ से, चलो चलो चलो। सोचत रहे एक पनौती से छुटकारा मिल गया, मगर ये तो उससे भी बढ़कर है। आधा भगवान आधा शैतान, दोनों को मिलाया तो क्या बन जाएगा। आप सारी बातें करते हो पर दादाजी से डरते क्यों हैं? अरे रे 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 रे। भगवान किसी को बहुत ज्यादा देता है मगर छीन भी लेता है। बच्चे को बहुत तकलीफ देगा मगर साथ नहीं छोड़ेगा। या 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 ओ, ओ, तो, क्या हुआ तुम्हें? दादाजी दादाजी, ये वॉर शुरू होने वाला है। बाप से ज्यादा चर्बी, दादा की देन है। चलो चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। नाम क्या है तुहार? राजा कृष्णमूर्ति। वो तो हमारा नाम है, हमको अच्छी तरह से पता है। परिवार का कौन हो पता नहीं और परिवार का नाम लगाओगे? परिवार के साथ मिलजुल कर नहीं रहते इसलिए आपका नाम ये रखा, ये मेरी मेहरबानी। अब तो आ गया हूँ ना? आ गया मतलब पुरानी बातें भूल जाऊं क्या? मगर हम तो नए हैं ना, मेरी खातिर आप पुराना सब भूल जाइए। और ओ तेरे की जो देने आया था वो तो भूल ही गया।
क्या है? वॉकिंग स्टिक है? ये है आपका सच्चा दोस्त। कितनी दफा घर वालों से कहते रहे कि हमारे लिए वॉकिंग स्टिक ले आओ, मगर कोई नहीं लाया। बाकी सब के सब नालायक हैं। तुम वाकई समझदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा दादा, नया आते ही पुराना भूल जाता है, तो अपने बेटे को भी माफ कर दीजिए ना। मैं तो बाहर की चीज है, उठा के फेंक सकता हूँ, मगर तुम्हारे पिताजी के जो अल्फाज थे वो सीने के अंदर है, वो आज भी ताजा है। हम मौका कैसे भूल सकते हैं? नहीं दादाजी, हमारे लिए प्लीज। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। हाँ आ बेटे, आजा, देख 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 तेरे लिए हमने क्या खरीद के रखा है। तेरे जन्म के 5 महीने बाद हमको मालूम हुआ कि हमारा एक पोता भी है। उस दिन से आज तक तू नहीं जानता हम किस तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तू कब आएगा? इसे देख, जब तू 1 साल का था तब मैंने खरीदा था, ये 2 साल 3 साल 4 साल, जब मैं इस घर में बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाता था तो तेरे लिए भी खरीद कर लाता था, क्योंकि यकीन था कि तू जरूर आएगा। 1 मिनट रुक बेटा, ये हमने त्योहार खातिर खरीद कर रखा था, कुर्ता पायजामा, बढ़िया है ना? बढ़िया है दादाजी। ओके, ये तो हमारे लिए, और पिताजी के लिए? अगर तू उसके बारे में बात करेगा तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है दादा, ऐसा नहीं है दादाजी, मैं पूछ रहा हूँ मूछ इतनी बड़ी कैसे कर ली है आपने? तेल लगा के बड़ा हा? किया है? तेल लगा के? दादाजी। क्यों बेटे, क्या देख रहे हो? क्या ये हॉलीवुड के डायरेक्टर है? हाँ, अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में थकान आ गई तो हमेशा के लिए यहीं सेटल हो गए। सुनो बेटा, थिएटर में पर्दा उठते ही पिक्चर दिखती है ना, यहाँ पर्दे के जरिए पिक्चर दिखती है। अरे कहाँ जा रहे हो? बहुत बड़े डायरेक्टर है, मिलकर चलते हैं। चलो चलो डायरेक्टर साहब। हाय। अरे काहे का शिप, रूम में शिप आ रही है, चाचा नहीं बुला सकता क्या? सुनो बेटा, ये इस घर के सपूत है, डायरेक्ट कटर, बचपन से कह रहा है फिल्म बनाऊंगा, अभी तक स्टूडियो नहीं देखा है। चाचा जी, ये कोई पर्चा कराने का तरीका है? मुंबई में फिल्म बनाएंगे तो चलेगी क्या? सबसे पहले फिल्म यही बनी थी। कुछ कान में तकलीफ है का? कह रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के पेज ढीले हो गए। वेरी गुड। अरे ये जनाब कौन है? अच्छा ये तुम्हारे मामा के बेटे हैं जो विलायत में रहते हैं। ओ, ये शंभुक चाचा के बेटे हैं क्या? हाँ, रुकिए रुकिए। ए, हम इसे अपनी फिल्म में हीरो बनाए तो? पिक्चर में हीरो तुम्ही को लेगा? छो, लिखो, 1 मिनट रुकिए। ए, नाक 3 इंच, आंख 1/2 इंच लिखो, 1 मिनट, कान 2 इंच लिखो, शोल्डर 17 इंच, ट्राइसेप 8 इंच, हाथ की लंबाई अच्छी है, आंख अगर ब्लैक होती तो आप हीरो के लिए अच्छे होते, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हर समस्या का समाधान है मेरे पास। हैरिसन फोर्ड। फ्रॉड का मतलब धोखेबाज। चुप रह। इस आदमी के साथ मिलकर मेरी खड़े खड़े बेइज्जती कर रहे हो, बेवकूफ। हाँ? ए, इसके भी जुबान की माप लो। अरे रे रे रे, पता नहीं और किस किस चीज का नाप लेगा ये। हंस नहीं रहा, तुझे बुला रहा है। ओ, मेरे मेडल्स। वो तो देख रही है, कितनी पिक्चर्स बनाई है? पिक्चर बनाने से पहले मिली है। ऐसा? यस यस सर। ये मैं समझ रहा कि हमको फिल्म की जानकारी है, उसके अलावा बहुत और भी जानकारी है हमारे पास, सच पूछा जाए तो एक जनरल नॉलेज किताब की तरह है। इस दुनिया में जो कुछ नहीं जानते उसके बारे में जान सकते हैं सर। इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है इस आदमी में, लेकिन लोग इस तरह की पुस्तक को इसका पूरा परिवार मिलकर चलाना चाहता है। इसका मूल कारण यही है, क्योंकि मैच बॉक्स इसके पास है। अब क्या है कि मामा जी बताओ ना, मैं इन्हें क्या क्या के बुलाऊं? बच्चा, अंग्रेजी में कहो यू फूल, पागल कहीं के। ए मिस्टर कजिन, आप विलायत से होंगे तो हमारे लिए कुछ तो लाए होंगे। कजिन, मेरा मशवरा मानिए, अगर आप बात कम कर देते हो, नो 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 नो, अगर आप बात करना बंद ही कर देते तो बड़े डायरेक्टर बनेंगे, समझे? इसे भी रख ले। पागल लोग। दूध। ओह, थैंक यू। आप हमारे पिताजी को जानते थे? अच्छा, मूर्ति, मैं उसे जानता हूँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हमने नहीं देखा। देखी नहीं? अरे ऐसे कैसे, घर में तो बहुत सारे एल्बम है, किसी ने दिखाए नहीं?
दुरुस्त है, किसी दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ओके? हाय, ये क्या है? दूध, पिताजी ने देने को कहा। डैड। तुमने अपने बारे में बताया नहीं? मूर्ति जी की बेटी। आपके पिताजी भी उनको जानते थे। नाम क्या? पायल। और आपका? इंग्लिश। ओह। डैड का नाम है फ्रेंच। और माँ का नाम है स्पैनिश। अच्छा। हाँ? तुम ऑस्ट्रेलियन हो? जी, हम तो इंडियन हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ? तुम बहुत ब्रिलियंट हो। हाँ? मतलब तुम समझदार हो, हमेशा ऐसे ही रहना। Love you, Dad. अच्छा सुनिए, हमारे बारे में भी तो बताइए। हाँ, करता हूँ करता हूँ। ये मत सोचना कि तुम देखने में पागल लगते हो, वाकई पागल हो। सुन, सिर्फ तुमको ये ड्रेस यकीनन सूट करती है। शुक्रिया। शुक्रिया। वो एल्बम शादी निपट जाए फिर दिखाता हूँ। कौन सा एल्बम? अरे वो खानदान को बुलाइए। वो मामा को बुला रहे हैं। डैड, वो आपको ही बुला रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब लोग अक्षत डालो, अक्षत डालो। लाइव शो चल रहा है। लाइव शो? तुम कहना क्या चाहते हो? हम आपके हैं कौन? ओ, शुक्रिया बेटा। किस लिए? फिर से तुमने अपने लोगों से मिला दिया। हमें तो आपको थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ आने के बाद दादा, फूफी, फूफा, उनके बच्चे, इन सबको इकट्ठा देखकर हमको बहुत खुशी हो रही है। ए, ये तेरे हाथ में क्या है? जस्ट अ गेम। गेम? डैड, कैच! कम ऑन, कम ऑन, डैड! बहुत बढ़िया। अरे ये लोग अपने पिताजी से क्यों सब दूर भाग रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बड़े खानदान वाले हैं। मुझे तो, मुझे तो, मुझे
तीन इस तरफ है, पांच उस तरफ है, ये तीन लोग उन पांच लोगों का नारियल छीनकर बाउंड्री के उस तरफ रख देंगे तो हो जाएगा। ऐसा है क्या? तो पहले बोलना था ना मुझे, इतनी देर क्यों लगा दी घूंगे? खेल में हमें भी शामिल कर लीजिए। क्या कि हम खानदान के लोग खेल रहे हैं, तुम लोग बाद में खेलना। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। अरे इन्होंने कह दिया ना जाओ अब। खेलने दो, इन्हें हमारे साथ खेलने का जिगर नहीं है। ए, किसके साथ जिगर की बात कर रहे हो तुम? मामा आ जाओ। अरे खेल ले आए हैं कि जीजा जी से पंगा लेने आए हैं? डैड ये लो पकड़ो। इधर दे, इधर दे। भागो भागो भागो। डैड आप ठीक हो ना? आप ठीक हो? चलिए उठिए। क्या आ जाए मामा, आप ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। भैया सच में बहुत अच्छा खेला। इसे कहते हैं असली खेल। हाय हाय। फल खा लो, दूध पी लो, भूख अपनी मिटा लो। खाली पन्ने पड़ रहा है। ये दूध खत्म। अरे और भी खत्म हो गया। दूध में शक्कर कुछ ज्यादा ही है, कम करनी पड़ेगी वरना डायबिटीज हो जाएगा। दूध भी होगा, फल भी होगा, मगर भूख नहीं लगेगी तुझे।
आइए, किसके नाम की आरती है? और किसके लिए? हमारे भाई के लिए, सिंह राशि। जी जी। आज इनका जन्मदिन है। अहा, ये तो भागा हुआ शनमुख है ना, फिर से भागेगा नहीं, उसकी मन्नत मांग रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अगर भागे थे तो इन्हें से क्या? पुजारी हैं इसलिए खामोश हूँ। ओम वेंकटेशाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। बड़े रफ्तार से भाग गए थे, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और कोई नहीं आया? आप चुप नहीं बैठ सकते? आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ए, तू मेरे पैर क्यों छोड़ा? नहीं नहीं, रुको रुको। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म है, तो क्या कृष्ण हर जगह जाकर हर किसी से क्या आशीर्वाद मांगते हैं? तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं? हैप्पी बर्थडे। यहाँ बैठ जाओ। इधर आ। क्या हुआ? मजा आया हमें। हमारा पोता है, विदेश में पढ़ता है। सॉरी, हम इनको नहीं पहचानते, हम इनके पोते भी नहीं हैं। शुक्रिया, आप चाहिए। हमें जरूरत भी लगता है। राजा, मुझे नहीं देना। राजा, कहाँ गया? कहाँ है? ए, तूने हमको सबके सामने कहा कि मैं पागल हूँ, उसका हमको बुरा नहीं लगा, मगर तूने हमसे ये कहा कि तू हमको पहचानता नहीं है, इस बात की हमको बहुत तकलीफ है। ए, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? क्यों रे, मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, तू घूमकर उस तरफ क्यों सो रहा है? तू हमसे बात नहीं करेगा क्या? हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही क्या? बात करना हमसे। छोड़ो ना, बस करो। ए, अरे जा जा, हमसे ज्यादा चर्बी चढ़ गई तुझको। तू सोचा था कि हम तोसे आके बात करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों रे, हमसे बात नहीं करेगा? बात नहीं करेगा ना? हे, तू आया है तब से हम बहुत खुश हैं और सबसे अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। तुम्हारी खामोशी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हे, तुम्हारी ये खामोशी ठीक नहीं। ए, बात नहीं करेगा क्या? ऐसे खामोश रहना पसंद है क्या? ए, जब से तू आया तब से हम बहुत खुश हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुहार खामोशी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए, तेरा खामोश रहना हमको यहाँ कुछ तकलीफ हो रही है ना? आधे घंटे से बात नहीं हुई तो तकलीफ हो रही है ना? सिर्फ दो हफ्ते से आप हमको जानते हैं, 20 साल गुजर गए। कितनी तमन्ना लेकर आए थे हमारे पिताजी आपसे बात करने के लिए और आप मुकर गए। इस वक्त तो किस हाल से गुजर रहे हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। उसने बहुत गलत किया। आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, वो आपकी गलती थी कि नहीं थी? फिर भी वो आपके पास आ गए। चलिए अब जाइए, जाकर उनसे माफी मांगिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। क्यों रे, एक तू ही तो है जो हमको समझ पाए और आखिरी दम तक मेरे साथ रहेगा सोचा था। बहुत ही अच्छा सिला दिया तूने अपने बाप की तरह। जा रे, जा, पीछे से टेलीग्राम आएगा। टेलीग्राम करोगे तो भी नहीं आऊंगा। पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हम। ओह, मैं यहाँ नया है इसलिए मेरे पिताजी पुराने हो गए? मेरे जाने के बाद बात करोगे है ना? ठीक है, हम जा रहे हैं। ए, हमका धमकी दे रहा है क्या? नहीं दादाजी, आपका मुंह खुलवाने का यही एक रास्ता था। कम से कम हमारे जाने के बाद आप उनसे बात तो करेंगे। छोटे मालिक नीचे गिर गए। हाँ, छोटे मालिक नीचे गिर गए, जरा देखो। क्यों दादाजी, एक मिनट में सारे पुर्जे हिल गए ना? हिला के रख दिए। अरे, मौत हो गई थी हमारे एक सेकंड के लिए। ऊपर आ जल्दी। ये नहीं होगा। अरे बोला ना पहले, ऊपर आ। पिताजी से बात करेंगे तो ही आऊंगा। बात करूंगा ना, अब तू आ जा ऊपर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, मैं आता हूँ। दादाजी, जरा
जरा हाथ देना, यहाँ बहुत डर लग रहा है। संभल के, संभल के। बाल बाल बचाए। तूने अपने बाप पर जितनी इज्जत रखी है उतनी हम अपने बेटे पर नहीं रख पाए राजा। इसका मतलब आप बात करेंगे ना? ठीक है, ऊपर आ जा। बढ़िया, हमारे सामने कीजिए। ओहो, आपका बेटा आ गया, आपका बेटा आ गया। दादाजी, आपका बेटा आ गया। बात कीजिए, चाहिए। दादाजी, अच्छा मौका है, बात कीजिए, चाहिए ना? दादाजी, आई लव यू। चाहिए, चाहिए। मैं यहाँ क्या गलत है क्या सही है ये बहस करने नहीं आया। हम जब से यहाँ आया आप हमसे नाराज हैं, अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आपकी जो नाराजगी एक तरह से देखें तो शायद वो ठीक है। मेरे साथ 20 साल से जी रहा है, वो भी तन्हा। यहाँ आकर रिश्तेदारों से मिलने के बाद आप नहीं जानते, वो जी रहा है, वो मजे कर रहा है। उसकी खातिर मेरे साथ बात करने का नाटक कर दीजिए। मुझसे बात करना पसंद नहीं है तो मैं चला जाता हूं। बस बात खत्म। रुका बेटा। पिताजी, खाना खा लिया? नहीं पिताजी, नहीं खाया। अरे एक बज गया और तू अभी तक भूखा मर रहा है। चल दोनों एक साथ खाएंगे, आजा। अच्छा जो भी है मजे लेके खाओ। तशरीफ रखो। अरे जीजा जी आइए, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। दोनों खड़े हो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं, सबके कैसे तेवर हो गए? सुनिए, आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या क्या, जब हमारा बेटा यहाँ खाना खाएगा तब कोई मौजूद नहीं होना चाहिए, समझे? हमारी भी कोई इज्जत है, समझ रहे हैं? सुनिए, दूसरी दफा इस टेबल पर हम खाना नहीं खाएंगे। चलिए भैया, चलिए चलकर खाते हैं। अरे कहीं दूर चले जाओ जी। दादाजी यहाँ आओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबको जाकर बुलाओ। पिताजी ऐसे क्यों शोर मचा रहे हैं? तुम खाना खाओ। एक एक की चाल तो देखा, सबके कैसे तेवर हो गए। क्या हुआ पिताजी? सुना, क्या एक हुआ? नहीं तीन हा? तीन इधर हो, मगर हमारे बेटे को कोई खाना नहीं दे सकता। भैया पिताजी खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से जाकर उसकी फेवरेट डिश लेकर आओ। जल्दी जा, जल्दी जाओ ना। वो नहीं पिताजी, अरे हमारे सामने खाएगा वो, जल्दी लेकर आओ, जल्दी जाओ ना। लगता है काम बन गया। सब रख दिया ना, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। पिताजी, हम थोड़ा परोस भी देते हैं। क्या कहा मैंने? दादाजी मैं खाना। अपने बेटे की देखरेख करना हमें अच्छे से आता है, तुम लोग निकलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। पिताजी बहुत है, खाओ ना बेटा, बहुत है। आप नहीं खाएंगे? हम बाद में खाएंगे, सीने आ रहे और बिजली भी नहीं है। ए, खड़े खड़े क्या देख रहा है? पंखा लेकर आ। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? जल्दी लेकर आ, जा। थोड़ी और सब्जी ले ले बेटा। काफी है पिताजी। ये क्या है? अरे हमने पंखा लाने के लिए कहा था, तुम खिलौना लेके आ गए। माफ कीजिए। अरे ओ दादा, तू कभी फिल्म तो बनाएगा नहीं, कम से कम हम तीनों की फोटो ही खींच ले। दादाजी आपने इस चीज के लिए अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खींचते खींचते। मुझे पता है हॉलीवुड पिक्चर्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं। हाल ही में बोर्ड पे एक मूवी बनी थी, तुमको पता है, उसको और भी अच्छे से बना सकते हैं हम। नहीं, ये मुझे बहुत सताता है रे।
डायरेक्टर सर, आप उनसे भी मदद मांग सकते हैं। क्यों? बस उन्हें थोड़े पैसे ही तो देने होंगे। तुझे कैसे मालूम? ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इन्हें अपने पिक्चर में काम करवाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए भाग भाग कर आएंगे काम करने। ओ, ऐसी बात है क्या? माचिस की डिब्बी है क्या? ठीक है, उसको बता दे चांस मिलेगा, माचिस की डिब्बी लेके आ। ठीक है। सुनिए, डायरेक्टर को सिगरेट जलाने के लिए माचिस की जरूरत है, मदद कर सकते हैं? शुक्रिया। वो बोल रहा है जिसको जरूरत है उसी को देगा। उसने ऐसा बोला क्या? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उसने नहीं माना। हे, ऐसे ब्लू टी शर्ट पहन के जाएगा तो ऐसे ही बोलेगा ना? मेरे सर सामान्य आदमी जाकर पूछेगा तो? अभी देख। प्लीज कजिन, प्लीज। फिंगर नहीं, फायर। शुक्रिया। शुक्रिया। यही है ना? आप दोनों ने एक साथ तस्वीर नहीं खिंचाई? तुम्हारे पिताजी। उनकी नाक हमारे जैसे ही थी, मगर गाल और माथा हमारे जैसा नहीं है। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। आदत है पिताजी की। मूर्ति ने एक इंसान था। क्या ये तस्वीर हम रख ले? शुक्रिया। अरे कैसी हो? क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। क्या राज है? ए, रुको 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 रुको, तितली की तरह आंखें क्यों फड़फड़ा रही हो? तुम्हारी सांसें तो बहुत ठंडी है। मतलब बहुत खुश हो? या तो गाय ने घर में बछड़ा दिया छी? या तुम खेल जीत कर आई हो? ए, ये क्या है? दिखा। अरे दिखा। पिताजी, हमारे पिताजी की फोटो तुमने क्यों रखी है? बगल में जो है मेरे पिताजी है। ठंडी ठंडी सांस के पीछे ये राज था, अब समझा। तुमने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं था? तसल्ली कर लो। और एक बात, बच्चों के हाथ ये तस्वीर लग गई, फाड़ देंगे। मेरे पिताजी बगल में खड़े हैं इसलिए आपके पिताजी देखने लायक हैं। पायल! अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को दिखाया, शुक्रिया शुक्रिया। क्या जीजाजी, वो आपके पैर छूकर जा रही है, क्या बात है? पिता की तस्वीर मांग रही थी, दे दिया, इसीलिए शुक्रिया बोल रही थी। ओह माय गॉड, शी इज जस्ट अमेजिंग। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम अच्छे से कर रही है, हर किसी का ख्याल रख रही है। एक लड़की में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं इस लड़की में। आप देख लीजिए, जिस घर में ये बहू बन के जाएगी मंदिर बन जाएगा। सास ससुर को फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे जो भी लड़का इससे शादी करेगा वो किस्मत वाला ही होगा। जिस घर में ये बहू बन के जाएगी मंदिर बन जाएगा। वैसे जो भी लड़का इससे शादी करेगा वो किस्मत वाला ही होगा।
दिल की आवाज सुनकर रुकने वाले बुझाने पर भी नहीं बुझने वाली। तुम्हारा तुम्हें पसंद है क्या? आपके लिए है। समझ गया। कॉफी। खुशबू अच्छी है। हम तुम्हें पसंद है क्या? तुम्हारा हम तुम्हें पसंद है क्या? छाता नाच नाच कर कमर दुखता है, गा गा कर गला सूखता है, जैसे चलोगे वैसे साया चलेगा। छह, कुछ अच्छे से बैठ नहीं रहा है, क्या बड़बड़ा रहा हूं? क्यों रे, ये डायलॉग जरा हाई है ना? अरे कुछ तो बोल, मैं इससे जाकर पूछता हूँ। क्यों सर, डायलॉग ही नहीं रहा तो अच्छा लगेगा ना? मैं क्या गूंगों का पिक्चर बना रहा हूँ? बेवकूफ, मजाक चल रहा है। ये यहां क्यों बैठा है? ये भी कुछ कहानी सोच रहा है क्या? हो सकता है 4-5 दिन मिला तो चुरा लेते हैं। एक्सक्यूज मी कजिन, क्या सोच रहे हो? सिगरेट? ना, हमको छोड़ के 5-6 साल हो गए। मतलब तुम्हें कहानी नहीं चाहिए? ना, हाँ चाहिए, एक अच्छी फैमिली कहानी चाहिए। है क्या? बताता हूँ, एक प्यारी सी जगह थी, एक प्यारे से पिताजी और उनका प्यारा सा बेटा। बाप बेटे के रिश्ते से बढ़कर उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती थी। अंकल को इतनी बड़ी तकलीफ है, तुमने हमको नहीं बताया? इतने दिन सीने में दबाए रखा पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बता दिया। घर में हर कोई मौजूद है, ऐसी हालत में किसी को यह बात बताते हुए मुझे अंदर ही अंदर अजीब लग रहा था। अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? ओके? ऐसे नहीं,
तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं, ये वादा करो। मैं किसी से नहीं बताऊंगा। थैंक्स भाई, घर में हर कोई मौजूद है। ऐसी हालत में तुम्हारी अगर शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। हम तुम्हारे घर वालों से लड़की ढूंढने के लिए कह दूं। देख लिया। देख लिया क्या? वो भी पिताजी की पसंद की लड़की। कौन है वो लड़की? पायल। पायल? हमारी पायल? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, कोई अड़चन नहीं। अभी घर वालों से कह के तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ। वो हमारे दिल में है, लेकिन उसके दिल में कौन है पता नहीं। अगर तुम लोगों ने उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए मनवा लिया तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? हमारे पिताजी को एक नेक बहू की कमी रह जाएगी। सिर्फ यही तमन्ना पूरी करने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। इस प्यार के खातिर मैं आखिरी दम तक इंतजार करूंगा, मगर तब तक अगर पिताजी सबको ये भगवान बहुत प्यारे लगते हैं ना, मगर लगता है भगवान को हमारे पिताजी बहुत प्यारे लगने लगे हैं, इसलिए वो इनको जल्दी बुला रहे हैं। अच्छा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमको प्यार करने के लिए, उठाने के लिए तुम्हारे पास दादा दादी मामा इस तरह के काफी लोग तुम्हारे आसपास होंगे, है कि नहीं? मगर हमारे पास कोई भी नहीं था। मगर हमारे पैदा होने के बाद हमको उठाने के लिए, नहलाने के लिए, यहां तक के खिलाने के लिए भी हमारे पिताजी ही हमारे पास थे। सिर्फ हमारे पिताजी थे और कोई नहीं था हमारे पास। देखो, मैंने सोचा तुम कोई नई कहानी कहोगे, लेकिन तुमने अपने घर की कहानी कह के हमको एकदम रुला दिया। उनको कुछ नहीं होगा मेरे कजिन। पंडित जी, आपने जन्म कुंडली तो देख ली, पर उसकी आयु के बारे में कुछ नहीं बताया। पंडित जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके बेटे शनमुट को 90 साल तक कोई तकलीफ नहीं होगी, और तकलीफ नहीं आने का कारण भी शुक्र ही है। चंद्र भी उसका उच्च का ही है, राहु और केतु भी कोई तकलीफ खड़ी नहीं करेंगे, इसलिए ये 90 साल तक जिंदा रहेगा। ये दक्षिणा तुम पंडित जी को अपने हाथों से दो। यस। आपके बेटे शनमुट को 90 साल तक कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए ये 90 साल तक जिंदा रहेगा।
ए सीनू, सीनू बोलो ना, हमारे बेटे को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नो, डोंट वांट टू बिलीव दिस, वो हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। साइंस झूठ नहीं बोलता। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? उसको वही बीमारी है, तुम कैसे जान सकते हो? कैसे यकीन है तुम्हें? तुमको खून की जरूरत थी और उसने दिया। नॉर्मली पेशेंट को ब्लड देने से पहले टेस्ट कर लेते हैं और उस टेस्ट के बाद उसमें एक अनडिफाइंड सेल पाया गया है। कल चेक करके देखा तो MS कंफर्म हो गया। आई मीन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ही इज यंग डॉक्टर, छोटा बच्चा है वो। हम अपने बच्चे को चाहते हैं, नीड हिम। तुम कुछ भी करके बचाओ। हे, इसका कोई इलाज नहीं है यार, करोड़ों में किसी एक को यह बीमारी होती है। ये तुम्हारे बेटे को कैसे? मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? मेरा और कौन इस दुनिया में? मैं क्या कर सकता हूं? देखो, वो जिंदा रहेगा तो सिर्फ 2 महीनों तक। इन 2 महीनों में तुम उसे खुश रखना, बिछड़े हुए परिवार से उसको मिला देना, बट आखिर तक उसे पता नहीं चलना चाहिए। कुछ सोचो चीनू, कुछ सोचो, ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम जानते हो कितना हुनरदार है, अगर उसे मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? तू उसकी चिंता मत कर, इस बीमारी की खास बात यह है कि आखिर तक कुछ पता नहीं चलता, जिसको है उसको भी और रिश्तेदारों को भी पता नहीं चलता। नो, तुम गलत सलाह दे रहे हो, मैं कोई अदाकार नहीं हूं। मेरे मुंह से निकल जाएगा, मैंने उसे बचपन से कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, इतने सालों से मैं उसे हंसते खेलते देखते आ रहा हूं, और आप जाकर सिर्फ थोड़े दिन बचे, मैं उसकी और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे। चीनू, चीनू, अगर ऐसा करेंगे तो वो बीमारी मुझे मुझे खुश करने के लिए बोल देना। मतलब? जरूर वो मुझे खुश रखेगा, तब हम उसे खुश होते देख सकते हैं। कुछ दिनों के वास्ते मुझे खुशी दिलवा दो प्लीज। पागलों की तरह बातें मत कर, मैं उसे पागलपन की हद तक प्यार करता हूँ। मेरी बात पर गौर करो चीनू, अगर सच्चाई छुपानी है तो तुम्हें अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी करनी होगी। तुम झूठ बोलोगे, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज। मैं जो मेडिसिन देता हूं उसे पता नहीं चलना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया। हाय डैड। बारिश बढ़िया हो रही है। या आसमान आंसू बह रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? बारिश का दुखी नहीं हो सकती? हो सकता। डैड एक जोक सुनिए ना, बेटा स्कूल नहीं गया था। बाप ने कहा कि अगर तो स्कूल नहीं जाएगा तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। अगले दिन बेटे ने पूछा, पापा आप स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल जाना था तो
जोक अच्छा नहीं लगा ना, जरूरी नहीं है कि हर जोक अच्छा ही हो। अच्छा ये जोक सुनिए, एक बार पुलिस स्टेशन में एक डैड 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 हे कजिन, मैंने बहुत अच्छा संवाद लिखा है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ए भाई, कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, पता नहीं पिताजी बिना बताए कहीं चले गए, मैं उनसे बात कर रहा था लेकिन अचानक वो गायब हो गए। भाई मेरा संवाद किसे दिलाओ? भाई भूत की तरह गायब हो गया, अब मैं अपना संवाद किसे सुनाऊं? अरे अब देखो बहुत मजा आएगा। अब देखना ये देखो, पिताजी आपकी खामोशी देखकर हमें बहुत डर लगता है। मैं देखती हूँ, लगता है करंट चली गई। अरे अपना काम कीजिए, हम देख लेंगे। अरे हमारी बात तो सुनो। अरे कहा ना, हमें परेशान मत करो। हेलो, घर पर कोई है? अरे वो बच्चे टीवी देख रहे थे और करंट चला गया, तो अरे अब बस कर रहे यार। ठीक है, बस बहुत हुआ। अरे क्या कर रहा है तू? रहने दे, बस कर। अब आ भी जा। नहीं, अरे चलता रहता हूं मैं, बस यूं ही चलता रहता हूं। हेलो, आपको क्या चाहिए? हमने क्या पूछा, भूल गई क्या? कुछ और बात ही कीजिए ना। मुझे एक पप्पी दे दो। हाँ? हमने कहा हमें एक पप्पी दे दो। पप्पी देने कह रहे हैं?
कल छोटे बच्चों के साथ बैठकर पप्पी दे दो पप्पी दे दो पप्पी दे दो पप्पी दे दो खेल रही थी ना, उसके बाद दादी के लिए, दादा के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए और छोटे पप्पी के लिए भी, तुम मुझे भी एक पप्पी दे दो ना। नहीं दूंगी। तो ठीक है बोलो। क्या बोलूं? आई लव यू बोलो। सॉरी सॉरी माफ कर दो, तुमसे शायद बोला नहीं जाएगा ना, क्योंकि हाथ में सामान है, दूसरे हाथ में भी कुछ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मदद कर देता हूँ। आई लव यू। थैंक्स, शुक्रिया। क्यों? आई लव यू कहने के लिए? मैंने तो कहा ही नहीं। झूठ बोल रही हो तुम? हाँ अभी अभी तो तुमने बोला था ना, बताओ। मेरी जान, मजा आ गया। मजा आ गया। आई लव यू टू। क्या कमाल दिखा रहा है, बहुत अच्छा करा तू। अरे कोई मदद करो। शो खत्म हो गया, चलो आउट आउट, भागो यहां से। जाओ 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 जाओ। मैं भी बच्चों में बच्चा बन गया, बहुत ही मजेदार शो था। तूने तो बच्चों को हंसा हंसा के परेशान कर दिया। तुम देख लेना, अब से बच्चे तुम्हें चाचा नहीं जोकर चाचा कहकर बुलाएंगे। जोकर चाचा? डैड, इतने दिनों से तूने मुझे क्यों नहीं दिखाया? ये सब आपके लिए तो कर रहा हूं डैड। ओके क्या शोर शराबा मचा रहा है राजा? राजा ये क्या है, ये नाच रहा है तो आप भी इसके साथ मिल गए? और ये क्या हुलिया बना रखा है? ये है कॉमेडी। बहुत हो गया नाच गाना, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लो जाओ। अरे रे रे, ठीक से जाओ, दूध गिर जाएगा, जाओ ना जाओ। ये क्या, आप अभी भी उसे छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं? देखिए उसकी शादी करवा दीजिए, इस वक्त हम सब साथ हैं, मान भी जाएगा। आपकी शादी तो हम देख नहीं पाए, इसकी शादी देख कर ही मन को तसली दे देंगे। मेरी भी यही ख्वाहिश है दीदी, उसके पसंद की लड़की मिलनी चाहिए ना। हेलो जनेमन, अरे यहाँ क्या बैठ के कर रही हो? चलो कहीं जाकर गुफ्तगू करते हैं ना। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ लाया हूँ, ये देखो, इसे जरा पढ़ो ना, जरा ध्यान रखना। ए, क्या करूं मेरा दिल, ओ आउच आउच, तुम्हारे लिए ही लाया था। ओ हम तुम्हारे प्यार में जिंदा जलने को भी तैयार हैं। बेटी पानी लेकर आया हूँ। तेरी की कहाँ रखूं बेटा? हमें दीजिए, हम डाल इसके अंदर डाल देता हूँ। दीजिए ना। नहीं नहीं मैं डाल देता हूँ। नहीं मैं डाल दूंगी। मैं आकर डाल दूं क्या? नहीं 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 मैं कर दूंगी। गर्मी को ठंडा करने के लिए बर्फ डाले जाती है। देखो तुम्हारे लिए हम गर्म पानी में उबल रहे हैं, लेकिन हमने बर्फ रखी हुई थी, सॉरी। सुनो सुनो,
सब काम ठीक से तो चल रहा है ना? बढ़िया। इस तरह भीग कर क्यों आया? वो पिताजी नहा रहे थे तो हमने सोचा हम भी भीग जाते। अभी मैं भीगा हुआ हूँ ना, इसीलिए डैडी पूछ रहे हैं। हाँ, राजा कहाँ जा रहे हो? डैडी को भूख लगी है इसलिए मैं भी खाने जा रहा हूँ। तो चल भाग। नहा लिए क्या? सुनो, ये क्या कर रहे हो? नहा धो के तुम ठंडा पानी पी रहे हो? बेटा खा लिया ना, इसीलिए पानी पिया। अरे तेरी तो पकड़ पकड़। रुक जा, अरे भाग तक आए तू। रुक। अच्छा बेटा है और अच्छा पोता है। हमें तो बस तुम ही से प्यार है, प्यार है, प्यार है। पायल, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। देखो, तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। इतना तो बता दो, बस इतना सा बता दो, फिर चली जाओ। पीछा मत कीजिए, मुझे पूजा करने जाना है। समझ गया। लेकिन कम से कम एक बात बता दो, क्या तुम मोहब्बत करने से डरती हो? खैर छोड़ो, शादी कर लेते, उसके बाद में तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। ओके, वादा कर रहा हूं। समझ रही हो ना? कंफ्यूज होती जा रही हो? मंदिर जाना है, घंटी बजानी है, पूजा करनी है, गाना गाना है, इसी के वास्ते जा रही हो ना? अब क्या? क्या अब क्या यार? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमसे मोहब्बत करती हो, तो अब ओहो, तुम्हारे टेलर ने सही सिला नहीं है। तुम हमें पसंद करती हो? मुझे पसंद नहीं। तो तुम किसे पसंद करती हो? ऐसी हरकतें हमें पसंद नहीं। You don't like me? अंग्रेजी हमें नहीं आती। चाइनीज में, रशियन, जापानीज, जो भाषा में तुम समझती हो उसी भाषा में बोलूंगा ना। सुनो, मैं चीनू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कैसे हो तुम? हाँ अच्छा, हर रोज दवा छुपा छुपा कर दे रहा हूँ उसे, बहुत तकलीफ हो रही है। वो तो अच्छे से खुश है ना? खैर छोड़ो इस बात को, वो मुझे खुश कर रहा है। हमारी बात सुनो, एक महीना क्रॉस कर गया है, बीमारी फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर गई है। नर्वस वीकनेस, धीरे धीरे सर में दर्द, बॉडी में झर्क आएगा। एक और खास बात, कभी कभी उसकी आंखों से रंगों में काफी कुछ फर्क नजर आने लगेगा, कालापन छाने लगेगा, विजन में होल होने लगेगा। सुनो यार, वो हमेशा रंगों में छाया रहता है, उसका ख्याल रखना। शुक्रिया, आई टेक केयर। तुम जरा भी फिक्र मत करना यार, उस बीमारी के जितने भी टेस्ट हो सकते हैं हम कर रहे हैं यार। आई एम माय ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, ओके? तुम अपना ख्याल रखना, बाय। ये आवाज कैसी हो रही है? हाय रे दादाजी। अरे क्या हुआ? बच्ची, अरे हम पूछत रही क्या हुआ? कुछ नहीं दादाजी, वो बाथरूम डर गया। बाथरूम डर गया है? हमको तो लगता है तुम खुद डरी हुई हो वहाँ पर। तुम जल्दी से दरवाजा खोल के बाहर आ जाओ। दादाजी क्या पूछा? हमने आपसे पहले ही कहा था, अब दादाजी बाहर खड़े, जाइए। नहीं नहीं रुकिए। तुम क्या चाहती हो? मैं जाऊँ या? जाइए, सबको मालूम हो जाएगा, हम अपनी जान दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? सब लोग आ गए हैं ना? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ। तुम्हारा दिल जीतने के बाद भी तुम अच्छी तरह बात नहीं करती हो। पायल, हमारी बात सुनो, ये सब छोड़ो। हमें एक अच्छी बीवी मिले ना मिले, लेकिन हमारे पिता को एक अच्छी बहू मिलनी चाहिए, ओके? ये क्या है? अच्छी है? ये क्या है? कल मैं एक कपड़े की दुकान पे गया था, तो छोड़ो वो सब, तुम बस इसे पहन लो हमारी खातिर। अगर तुम पहन लोगी तो हम समझेंगे कि तुम हमें पसंद करती हो। नहीं पहनोगी तो हम समझेंगे कि कुछ और पहनने के लिए है ही नहीं।
आप ये ले जाइए। हम आपसे ही बोल रहे हैं, आप ये ले जाइए। बस करो ये नाटक, बहुत हो गया। ओके, जब देखो तंग करती रहती हो। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई हमें देख लेगा तो। तोहफा कभी वापस नहीं किया जाता, समझी? और सुनो, तुम्हारा दिल जीते बगैर हम यहां से नहीं जाएंगे। डर गई। अरे मजा आ गया। इस तरह बात करने के बाद तुम कितना डर गई ना, इसलिए मजा आ गया। मुझसे शादी कर लो। डरो मत, बस रोना नहीं। ओके, बस मुझसे शादी कर लो। रोना नहीं। ठीक है, मैं जा। ओके, जा रहा हूँ। कभी कभी वो आंखों से रंगों को ठीक से नहीं पहचान पाएगा, कालापन छाने लगेगा। बहुत अच्छे। से बुलाइए, टोटल 10 बलून थे, उसमें आपने 9 तो फुला के फोड़ दिए। कम से कम ये तो ठीक से फुलाइए, वरना हम नाराज हो जाएंगे। संभाल के दीदी, फूट ना जाए। लगता है गाड़ी उसी स्टेशन पे रुकी है। आप बलून लेकर आए थे क्या? बहुत कुछ लेकर आया था मगर। हाँ, आप फुला के क्यों नहीं देती दीदी? ऐसे रखेंगी तो बेकार हो जाएगा। अब आपको ये बलून चाहिए क्या? अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? फ्री में कुछ नहीं मिलता। ओके, लो बबल गम। नहीं चलेगा। तो क्या पैसे चाहिए? ठीक है तो देता हूँ। लो 50। 50 रुपीज। 100 रुपए? 100। 1 रुपए के बलून के लिए 100 रुपए? अच्छा ठीक है। ओके। शैतान बच्चे। जल्दी नहीं तो सूद बढ़ेगा। बहुत शैतान हो तुम। हाँ। ये लो पूरे 100 रुपए हैं। आपकी यही बात तो हमें बहुत पसंद है। ये अंकल सचमुच पागल है, 50 पैसे के बलून के लिए 150 रुपए देके चले गए। जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तो जब हम कोने में बैठ के बलून फुलाएंगे और आप आके बलून मांगेंगे ना, तो हम बलून हरगिज नहीं देंगे आपको। समझ गए ना? क्यों चश्मेश कहीं के? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल के लाए थे यहाँ? दो पैक के बाद सीन निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ तो उल्टी निकल रही है। क्या बात कर रहे हो सर? अमर प्रेम, प्रेम नगर, इस तरह के जो फिल्में होती हैं वो इसी लोकेशन में ही बनाई जाती है। रोज रूम में बैठकर ये चेहरे को देखते रहोगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा, घिसा पिटा ही मिलेगा। बाहर का दुनिया देखो, नए लोगों से मिलो, तब जाकर हो सके तो कहीं एक अच्छा और नया सब्जेक्ट मिलेगा। यानी तुम लोगों से एक भी पैसे का फायदा नहीं है मुझे, है? सही बोला ना? खाली आंख पे चश्मा लगा कर इधर उधर दिन भर घूमता रहता है। तेरे जैसे इंसान को पकड़ कर चप्पल से मारना चाहिए। बोला ना उसे छोड़ना मत। जब से आया तब से बेफिजूल बातें किया जा रहा है। ठीक है, उसका नाप निकाल, टेबल के नीचे रखा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, मिला ना, टाइट कर उसे, और उसमें रामू की मदद ले लो। हाँ, उसको टाइट कर और टाइट करते रहे, ठीक है? समझ आया ना? ओके। एक गाड़ी को 1 साल से रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? अपना काम खत्म होने के बाद सबको फोन करके बता दो, ठीक है ना? ठीक है। एक गाड़ी को एक वक्त में सभी लोग चलाते हैं क्या? यहाँ बैठकर
क्या हुआ? गलतियां सुधारता है, ये बहुत ही बड़ा होशियार है। अगर हम उससे बात करेंगे तो वो हमें बहुत कुछ आइडिया दे सकता है। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। उससे बात करो, जाओ 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 जाओ। अभी बात करो। अरे सुना, अपना जो विषय है एक म्यूजिकल विषय है, नहीं समझा? अपनी कहानी में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जरा सुनो, ये म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक याने संगीत। संगीत याने? संगीत याने संगीत। ये संगीत आता कहाँ से है बताओ? क्या सर, इतना भी पता नहीं है? हारमोनियम बाजा से आता है। काहे हंस रहे हो सर? अच्छा, संगीत प्रकृति से आता है। कैसे कैसे कैसे? ठीक है, ये भगवान के पास रहते हैं। भगवान सभी जगह होते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह होते हैं। तो इस तरह संगीत भी पत्थर होता है? रोने वाले बच्चों में होता है, चलने वाले पागलों में होता है। वो कहाँ नहीं होते? इसके पास होते हैं, उसके पास होते हैं, दोस्त के पास भी होंगे। क्यों, आपके पास भी होंगे? सर मैं समझा नहीं सर। आपको समझ में नहीं आया? मुझे मार क्यों रहे हो सर? जब मैंने आपको मारा आवाज आया, ये भी संगीत है। अभी जो आवाज आपको आई ना, ये भी संगीत है। ऐसे संगीत के कुछ अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, जो विषय मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर देखा आपने, संगीत के बारे में कितना ज्ञान रखता है, और अब सामान्य ज्ञान के बारे में शुरू हो गया। सर ये साधारण आदमी नहीं है, कंटिन्यू रखो। अच्छा तो ये कितने हैं? तीन है, ये तो उंगली है, तीन कैसे हो सकता है? तीन ही था। अरे यार कंफ्यूज कर रहा है। क्या सर, आपको समझ में नहीं आया? वो तीन के बारे में बोल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक दो तीन। हाँ मैं समझ गया सर, रात के चमगादड़ जब सर पे बैठता है तो बाल निकल जाता है। अब मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ, समझ में आएगा ना? तो ये क्या है? तो कौन इसे बताएगा? मैं बताऊंगा। तो तुम बताओगे? सिर्फ तुम बताओगे और कोई नहीं बताएगा? ये मैंने क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं समझा मैं। शराब पीकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो ये क्या है? ये तो समझ में आ रहा है ना? नाक है। नाक है, क्या है? अरे ये तो दाढ़ी है। तो ये दाढ़ी है क्या? किसने तुझे बोला ये दाढ़ी है? तुमने मुझे बोला। ये मैंने तुमसे कहा। अरे अभी तो तुमने बोला। नाक को तू दाढ़ी कह रहा है? समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है? बैठ नीचे। बैठने को कहा ना, नीचे बैठ जा, बैठ जा। ऊपर से जो फ्लाइट जा रही है तुझे आंखों से दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दिया। अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है? बेल्ट निकाल। क्या बोले? बेल्ट निकालना। बेल्ट निकालता हूँ। इसे निकालने को कहा मैंने? यहाँ से बेल्ट निकाल। निकालता है कि नहीं? निकाल। माना नहीं। अच्छा तो फिर मेरी बात समझ में आई ना? हाँ समझ में आ गई। साइकिल की औकात नहीं है, प्लेन की सपना दिखता है। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कितना बढ़िया संगीत सिखा के गया है मुझे, अब ये दोनों कहाँ चले गए? आज के बाद तुमने प्लेन के बारे में सोचा ना तो एयरपोर्ट ले जाके प्लेन के सामने खड़ा कर दूंगा। क्यों रे, तुम लोग चिल्लर गिन रहे हो? चिल्लर कहीं के? ये अंकल सचमुच पागल है, 50 पैसे के बलून के लिए 150 रुपए दे के चले गए। क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पैसे वाले हैं, इसलिए उन्होंने पैसे दिए होंगे। अरे चुप चुप चुप। ओहो, उस कंजूस से जाकर पूछो कि चवन्नी अठन्नी से ज्यादा भी दिया करे, आइसक्रीम नहीं खानी क्या? क्यों बच्चो, आइसक्रीम खाओगे? हाँ, क्या चाहिए? मिल जाएगी। सांस सांस। किसकी सांस? पायल की सांस। हाँ? हाँ? कितने पैसे? दाम तो वही है, कहो तो थोड़ी बार्गेनिंग कर लेंगे। ठीक है, जो देना है वो दीजिए। देता हूँ। गई शैतान बच्ची, दोबारा ऐसी गलती करोगी ना तो ऐसे लूंगा, दबा दूंगा और उसके बाद गायब है।
जाओ अब जाओ। हेलो ए सुनो, हम चीनू बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बात। कल पेपर में हमने एक आर्टिकल पढ़ा, ग्रीन एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस बीमारी का इलाज होता है। ओह सच बोल रहे हो। वहाँ के डॉक्टर से कांटेक्ट करके मैंने राजा के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। ऊपर वाला बहुत मेहरबान है। तो ठीक है, हमारी कब मुलाकात हो सकती है, हमें क्या करना होगा? हम तुम दोनों के लिए टिकट भेज रहे हैं, जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ। खामोश क्यों हो गए यार? भगवान की दया से एक चांस मिला है, ट्राई करके देखने में हर्जी क्या है। ओके ओके ओके, आई विल ट्राई। दैट्स गुड, टिकट मिलते ही फोन करना। ठीक है, बेहतर है। राजा, राजा राजा सुनो तो। अरे कहाँ भाग रहे हो राजा, संभल के। अरे राजा क्या हुआ तुमको? हे कम ऑन, गेट अप गेट अप, आई से गेट अप। क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो? यहाँ के लोगों के साथ खेल खेल के बोर हो गया होगा। अगर तुम यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो इट्स टाइम टू गो बैक। डॉक्टर का कई बार फोन आ चुका है, हम वहाँ अकेले बिजनेस नहीं संभाल सकते। वहाँ जाने के बाद कई कागजात साइन करने होंगे। सुनो, हमसे पूछे बगैर उसने टिकट भेज दिया, आज या कल सुबह तक टिकट आ जाएगी। थिंक हमको फौरन यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। चलो चलो चलो, बिजनेस नहीं करना, यहीं रहना है। क्या बोला? हमको बिजनेस नहीं करना, यहीं रहना है, ये कह रहे थे। सबको देखने की आरजू थी, सबके साथ वक्त गुजार लिया, अब यहाँ क्या रखा है हमारे लिए? चलो वापस चलते हैं हम लोग। लिख कर पढ़ा नहीं जा सकता और बोल कर समझा नहीं। ये महसूस करने वाली बात है डैड। चीनू टिकट तो आ गई है, मगर यहाँ से कैसे निकलें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब राजा और पिताजी को कैसे समझाऊं कि हमारा जाना जरूरी है? हमको फिक्र हो रही है, तुमको फिक्र नहीं है। मैंने राजा के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। सुन, पागलों की तरह बातें मत कर, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बच्चों के साथ यही टेंशन है, हम कलर गेम खेलेंगे। ये! ये! कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज? मरून। ए मरून, इन्हें पकड़ना है। चलो 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 गेम खेल। चलो ये मरून, अरे इधर है इधर है, यहां देखो यहां यहां। ये ये ये, वेट वेट, कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज? वायलेट। हे चलो 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 ढूंढते हैं, चलो चलो मारो देखते हैं, उधर भी जाते हैं। चलो चलो वायलेट उधर रहेगा, चलो ढूंढते हैं वहां पर, उधर उधर। ये क्या खेल रहे हो तुम लोग? हां कलर गेम, तो हमको भी साथ में खिला लो। कलर ऑरेंज
शर्ट वालों को हम गेम में नहीं रखते। अब बोलो। ओके 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 ओके। कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज? कौन सा कलर? कौन सा कलर? सफेद। सफेद कलर चलो चलो ढूंढते हैं सफेद। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। लगता है बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। बच्चे कितने प्यारे हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो बच्चों? ये बच्चे तो बहुत शैतान है। स्मार्ट लग रहे हो। अरे तेरी तो ये ठीक है। अब मेरी बारी। कलर कलर व्हाट कलर डू यू चूज? ग्रीन। ग्रीन कलर? अरे बाप रे, कहाँ है जल्दी ढूंढो, चलो चलो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है ये? कहाँ है? अरे वो देखो देखो देखो, ये चाचा मामू को नहीं छोड़ेंगे। हाँ पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुकिए ना। अरे रुकिए। आ जाओ। एक बार पकड़ लिया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे चाचा। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं पकड़ पाओगी, नहीं पकड़ सकती तुम मुझे। क्या समझा है तुमने मुझे? हाँ कहाँ गया ग्रीन? ग्रीन कलर ढूंढ लूंगा मैं। चाचा आप कहीं भी भाग गए आपको पकड़ ही लेंगे। जीतूंगा तो मैं ही हूँ। रुकिए चाचा, आप आउट हो गए हैं। आउट हो गए चाचा, आउट हो गए चाचा, आउट हो गए चाचा, आउट हो गए चाचा, आउट हो गए, आउट हो गए चाचा, आउट हो गए चाचा, आउट हो गए चाचा, आउट हो गए। ये क्या है? आउट हो गए। रंग क्यों नहीं दिख रहे मुझे? आउट हो गए चाचा, 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 आउट हो गए। ए आउट हो गए आप, आउट हो गए चाचा, 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 आउट हो गए। ये क्या क्या हो रहा? सिर्फ सफेद दिख रहा है, क्या हो रहा है मुझे? ये ग्रीन है ना? अरे आपके शहर में इसे ग्रीन कहते हैं, हम तो रेड कहते हैं। आते हैं माँ। आती हूँ माँ। चाचा आप आउट हो गए। क्यों शनमुख, तेरा फोन तो रिंग बज के कट ही जा रहा है। हाँ फोन कहाँ छोड़कर गए थे? अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहा है? मुझे टेंशन हो रही है, तुझे फिक्र नहीं है? देखो सिचुएशन को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो तो छोड़ो, राजा को संभाल रहे हो ना? बात सुनो दोस्त, ये सोचने का वक्त नहीं है, राजा की बीमारी बढ़ती जा रही है। ये बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती है, वो अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है, उसकी भूख बिल्कुल कम होती जाएगी। अभी उसे इस बात का एहसास नहीं होगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। बी केयरफुल यार। सर में दर्द होगा, जहां भी देखो उसे सारे रंग
फीके दिखेंगे। हाँ, आंखों में अंधेरा छा जाएगा, नर्वस सेंसिटी आ जाएगी। ए, ये बातें मैं कितनी दफा बताऊंगा? जब उसे धुंधला नजर आने लगेगा तो सारी बातें बाहर आ जाएंगी। किसी भी तरह उसे लेकर आओ यार। ये दोस्त वो मेरी बड़ी इज्जत करता है यार, हमने जो कहा उसको पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा यार। ए, हर एक मिनट उसकी जिंदगी के लिए बहुत कीमती होता जा रहा है। ओके, हमारे पेशेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऑल गिव इन टच। निकलने से पहले फोन कर देना। ओके डियर, बी कूल, फिकर मत करना। बाय बाय चिनू। शुक्रिया। कितनी खुशी हो रही है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हम सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। हम बहुत, और सच्चाई जानकर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे ना। ए, शम्मुख, हमारी बीमारी को आपने अपनाया और उसका दर्द हमें दिया। हम आपको खुश करते जा रहे हैं और हमारी खुशी को आप अपना रहे हैं। बहुत शैतान हो। अच्छा खेल खेला बाप बेटे ने मिलकर, अच्छा खेल खेला। क्या तुम जानते हो शनमुख, एक एक पल हम अंदर जलते गए और तुम्हें खुश करते गए। इस हकीकत को दिल में दबाकर तुम हमको खुश रखने के लिए हंस रहे थे। मौत से हमें डर नहीं लगता, मगर हमारे बाद हमारे बगैर तुम कैसे जियोगे ये सोचकर हमें तकलीफ होती है। बस यही तो है डैड। हाँ, एक जोक सुनाता हूं। उस कबर्ड के अंदर एक कैलेंडर रखा हुआ है, हमने हर दिन एक एक पन्ना फाड़ते हैं आपके लिए, मगर आज हम जान गए कि ये काम हम अपने वास्ते ही कर रहे थे डैड। अगले जन्म में हम ऐसा करेंगे कि हम रिश्ते अदला बदली कर लेंगे, ठीक है ना? आप हमारे बेटे बन जाना और हम आपके पिता बन जाएंगे, ठीक है ना? ओके, तो तेरा आखिरी दम तक ये राज राज ही रहेगा, ठीक है ना? वादा करते हैं, वादा नहीं तोड़ेंगे हम। ओके, प्रॉमिस, लव यू, बाय। हे, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? आंख में कुछ चला गया। ए, जरा रोक, जरा दिखा मुझे, दिखा दिखा, दिखा। अब बेहतर? अभी चुभ रहा है डैड। ए, जरा रुक 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 रुक, फिर से करता हूं, फिर से करता हूं। अब बेहतर? शुक्रिया डैड। ठीक है, जाओ, फोन चार्जिंग पे लगा रखा है मैंने, जाओ देख लो। मैं हूँ एक मौत का फरिश्ता। अरे चलो चलो, भागो भागो, जल्दी करो। अरे चलो चलो, भागो भागो, जल्दी करो। हाय कजिन। हाँ, चम 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 चम। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, उका है कि एक नया क्लाइमेक्स रेडी किया। अच्छा? है। डॉक्टर ने डैडी को चेक करके कह दिया है कि उनको कुछ है नहीं। कैसी लगी? वाह वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, ओ उससे भी अच्छा क्लाइमेक्स है। क्या है बताओ मुझे? वो क्या है ना,
बीमारी जो है, है पिता को नहीं बेटे को है। हाँ? अच्छा है ना कुशक कजिन। मजाक नहीं है, सोच कर तो देखो, यही क्लाइमेक्स हमें बहुत अच्छा लगा। ए, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, वादा करो। शुक्रिया कजिन। हमारी कहानी का वो प्यार गई, ये साड़ी नहीं हमारी मोहब्बत है, अगर आप इसको पहनोगे तो हम समझेंगे कि आप हमसे मोहब्बत करती हो। बताओ तुम्हें राजा पसंद है? अपने दिल की ख्वाहिश उसे बताना चाहती हो? 25 साल पहले इस घर की सारी खुशियां एक मोहब्बत छीनकर ले गई थी। जब हम वापस लौटे तो खुशियां भी लौट आईं। ऐसा महसूस हो रहा कि हर दिन दिवाली है, लेकिन हम वापस जा रहे फिर से एक मोहब्बत को, इस घर की खुशियों को। क्या प्यार करना गलत होगा? अरे नहीं, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं है। खुशियां देने आए थे वो तो दे दी, जब हम वापस लौटे तो सब लोग मुझे उसी खुशियों के साथ वापस भेजे।
बस यही कहना चाहता हूँ। इस परिवार वालों के जो हम पे एहसान है, इस वजह से हमने ये बात सबसे छुपाई। ये बात तो मैं खुद भी जानती हूँ, पर पता नहीं कैसे मुझे ये सब। यही मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत इंतजार करके जीतती है। आप कह रहे हैं तो सब ठीक होगा, शिकायत का मौका हम नहीं देंगे आपको। शुक्रिया। सुनिए, आप वापस जरूर आएंगे ना? जरूर वापस आएंगे बेटी, इस खानदान के लिए नहीं, तुम्हें ले जाने के लिए। माफ करना बेटा, hey dad। क्यों भाई, बारिश में भीगने की आदत नहीं गई अभी? मुझे जगह पसंद ही नहीं, बोर हो गया हूं मैं यहाँ पर। कच्चे कच्चे रास्ते, उस पर बैलगाड़ी, और रास्ते में वो क्या है, वो ताड़ का पेड़। हाँ, ताड़ का पेड़। गांव के बीच एक ही तालाब है और पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है। ये बोरिंग है डैड। चलो चलो डैड, हम हांगकांग चलते हैं। कलरफुल लाइफ, वंडरफुल गर्ल्स, डिस्कोटेक्स, फास्ट कैसीनो। नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो, चलो डैड। हम नहीं जा रहे, पुरानी गलतियों को भूलकर पिताजी बात करने लगे। वो आजकल काफी खुश है, मैं बर्बाद क्यों करूं? हम वापस जाना चाहेंगे तो वो जाने नहीं देंगे, मैं उनसे नहीं कह पा रहा। डैड हम जाकर दादाजी से बात करें। ठीक है डैड, एक बार कोशिश तो करने दीजिए। मैं मना कर रहा हूं ना। ओके, अगर आपके लिए ओके है तो हमारे लिए भी ओके है। ओके। हाँ, वहां के लिए ओके, यहां के लिए ओके? ये डैड, क्या बात है डैड। आप राजा संभल के कर जाना चाहते हैं, ख्याल रखो राजा। राजा मजा आ गया। शनमुख, आप हमें यहां से लेकर जाना चाहते हैं ना? सुनो, सारा सामान उठाकर अंदर वाले स्टोर रूम में रख दो। जाओ पिताजी। वो आवा बेटा, हमका भी तुमसे कुछ बात करनी थी। कल शहर गया था, जायदाद के बारे में वकील से बात की है, आज डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे आप बाप बेटे अगर रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाओगे तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। पिताजी मैं वो बेटियों के लिए जो करना था वो हम कर चुके हैं, तू ओके बारे में फिक्र ना कर। नहीं वो बात नहीं है, मैं जल्दी। हमारे बाप दादा ने जो किया वही तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? वापस जाना है। अरे हाल ही में तो जाकर आए हो। नहीं पिताजी, मैं और राजा को हांगकांग रवाना होना है। विदेश जाना है? जाना जरूरी है क्या? वो तुम्हारा मादरे वतन है क्या? अपने खानदान के साथ नहीं रहना चाहते, उनसे दूर रहना चाहते हो? कारोबार को वहां छोड़ा है तो उसे बंदोबस्त करना। जान बूझ कर आप अपना काम वहां अधूरा छोड़कर आए हैं और हम सबको धक्का दे रहे हैं। हमने सोचा था सब कुछ आप वहां छोड़कर अपनों के साथ रहने आए हैं, अब समझ में आया कि तू यहां घूमने के वास्ते आए हैं, ये कोई सराय नहीं है। नहीं पिताजी, सारे कारोबार को दुरुस्त करके हम वापस आ जाएंगे। बहुत मनमानी कर ली आपने। सुना, हमका अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमार पोते के यहां छोड़ के चले जाइए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मत कहिए, ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाय दादाजी।
देख लिया ना, इसने तो सिर्फ कहा कि हम जा रहे हैं और ये तो पूरी तैयारी करके सारा सामान लेके आ गया। इनके लिए तो बिजनेस और पैसा ही सब कुछ है, अपना पर नाम की कोई चीज है ही नहीं इनके अंदर। सुनिए, यहाँ पर इतनी जायदाद है कि सात पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं। वहाँ विदेश जाकर कमा कर अपने बेटे की परवरिश करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसे हम ही संभाल लेंगे, चाहे तो आप चले जाएं। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे। सारा कारोबार वहाँ वैसा का वैसा पड़ा है, हम उसे दुरुस्त करके वापस आ जाएंगे। जीजा जी, आपकी शादी तो देख नहीं पाए, पर पोते की शादी तो देख लें, कुछ दिन और रुक जाइए। उस दिन से लेकर आज तक आपकी वही जिद है, आपको जाना है तो जा सकते हैं, ये नहीं आएगा। हांगकांग में हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ वही है ना, सब कुछ ठीक करके हम वापस आ जाएंगे। वही तो, इनका खून है तो इन्हीं की तरफदारी करोगे ना, जिसको जाना है जा सकते हैं, आपको भी जाना है तो चले जाइए। अगर ये जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। क्यों झगड़ा कर रही हैं? क्यों खाम खाम चिल्ला रही हैं? बात सुनो, आप हमसे जुबान लड़ाएंगे? आपकी जरूरत की हमसे जुबान लड़ा रहे हैं? इतनी हिम्मत आ गई आपने? क्यों कर रहे हैं? हमारी बात क्यों नहीं मान लेते? हमने कहा था ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहाँ हमारे साथ ही रहेगा। अरे इस तरह से झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ दिन रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा दादाजी? अरे मेहरबानी करके सब खामोश हो जाओ, अब कोई और झगड़ा नहीं होगा इस घर में, पता नहीं और कितने दिन तक ये सांस चलेगी। ठीक है, सबका अपने अपने खुशी प्यारे, तो उसी में हमारी खुशी है। अपने बेटे को मैं अपना बेटा कह सकता हूँ, लेकिन बेटे के बेटे पर हमारा कोई हक नहीं। लोग जाइए, आप लोग यहाँ पर रहे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा इस चार दीवारी के अंदर, हमार सांसें घुटती रहेंगी। दादाजी, जब दुनिया से रवाना होऊंगा तो आओगे? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? हमने कहा ना वापस आएंगे, तो हम दोनों आ जाएंगे। जो जिंदगी बची है वो आपके साथ ही गुजारेंगे, है ना डैड? जरूर हम वापस आएंगे, वादा करता हूँ। हमारे लिए इतना ही काफी है। ये क्या है दादाजी? ये आयुषमाला है, हमारे दादा और उनके दादा पहनकर ही 100-100 साल की जिंदगी जियत रहे, हमका अब इसकी जरूरत नहीं। अब तो आप विलायत जा रहे हैं ना, तो आपके सामने पूरी जिंदगी है, इसी वास्ते हम आपको पहना रहे हैं। शुक्रिया। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया इजाजत देने के लिए। सुनिए, आपने जो आइडिया दिया था हमने वैसे ही किया, कहीं ज्यादा एक्टिंग तो नहीं कर दी ना? हमें माफ कर दीजिए। नहीं ठीक है, आपके भरोसे वहाँ हजारों कर्मचारी हैं, बिजनेस छोड़कर आए हैं, बेटे की पढ़ाई है, सर्टिफिकेट लेना है, इसलिए हमने आपको छोड़ दिया। ठीक है ठीक है, दोनों जल्दी से जाइएगा और सारे काम निपटा कर जल्दी से आ जाइएगा। बोल रहा हूँ ना वापस आ जाऊंगा। जाना जरूरी है? हाँ जी। आप हमारी बात नहीं मानेंगे? सॉरी जी। आजकल बड़े लोगों की बात कौन मानता है? बढ़िया दादी करके। इसको गायब कर दो। छोड़ो ये बूढ़ी है, मैजिक देखोगे? एक मिनट। एक मिनट, आप सब जाकर अंकल को बाय बोलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। Thank you.
आशीर्वाद दीजिए। सुना राजा, तुम इसी खुशी के साथ वापस लौट कर आना। सारे काम निपटा कर जल्दी आइएगा। चलो जाओ पिताजी, हम जाकर आपसे बात कर ली ना। जल्दी से आ जाइएगा। जी जी, अच्छा ख्याल रखना। बाय। अच्छा सुनो, जो बात हो गई सो हो गई, अब उन्हें रोकने से क्या फायदा होगा। ठीक है कजिन, कजिन। हे कजिन, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। और बाकी सब का भी है? हाँ, कहानी का क्या हुआ? सब फिलअप कर दिया ना? हाँ सही कर दिया। वो राजा, राजा का कैरेक्टर है ना, वो यहाँ से सीधा विदेश जाता है और सीधा वापस आ जाता है। वापस आते ही घर वाले मिलकर उसे जो लड़की पसंद थी उससे शादी करा देते हैं और उससे ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं। उन सबकी शादी होती है और पोते पोती पैदा होते हैं और ये दादा बन जाता है। वो दादाजी है ना, पीछे दरवाजे बैठ कर दिवाली मनाते हैं। मैं कहानी वही से शुरू करता हूँ, कैसी रही? कजिन, एक और खुशखबरी है, उसका एक बहुत बढ़िया टाइटल है। बताओ क्या? किंग। हाय। ए छोटी सी दादी। सांस। छुट्टे नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए, दीदी ने देने को कहा था वादा। ओए, मतलब निकल गया तो सारी बातें भूल गए क्या? बाय बाय। कुछ नहीं, हमारा दिल है। अगर आपने इसे रख लिया तो हम समझेंगे कि आप हमसे प्यार करती हो। आपके वापस आने तक हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। बोला भाई, ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखना दीदी। जी भैया। बच्चों हम चलते हैं। डैड, बाय। डैड, गाड़ी को यहीं रहने देते हैं, जब हम वापस आएंगे तो हमारे काम आ जाएगी ना। पोते ने एकदम सही कहा है, ये गाड़ी हमको याद दिलाती रहेगी। सुना? चलो जल्दी आ जाएंगे, फिक्र मत करो आप। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जल्द से जल्द काम पूरा करके वापस आ जाना। पिताजी हम जरूर आएंगे। हाँ। दीदी बाय। जी भैया। बच्चों फिर मिलते हैं। बाय जी। जी अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। जो हवा तुम महसूस कर रही हो, ये मेरी सांसें हैं। फिलहाल सिर्फ मैं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं।